नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही आश्चर्यजनक और मन को हिला देने वाला एक थीरी को मैं प्रपोज कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि कितना इसमें सच है। ऑफ कोर्स दुनिया इटसेल्फ ए सिमुलेशन मैट्रिक्स है, फिर भी ये आपको पागल कर सकता है, क्योंकि मैं खुद पागल हो रहा हूँ। थीरी ऐसा है कि 20 साल पहले जब मैंने मैट्रिक्स देखा तो उसमें एक सीन था कि मॉर्फियस और की मेकर और ट्रिनिटी तीनों भाग रहे हैं और नियो उनको बचाने के लिए भाग रहा है दरवाजे की तरफ। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वाइट मॉन्स्टर उस दरवाजे को बंद कर देता है। और जैसे ही नियो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने आप को दूर पहाड़ी इलाकों में पाता है। मतलब तब तक सीन ऐसा था कि बाहर कार पार्किंग है, बाहर लोग खड़े हैं, मॉर्फियस है, नियो है, सॉरी मॉर्फियस है, की मेकर है, ट्रिनिटी है। और जैसे ही वाइट मॉन्स्टर दरवाज़ा को बंद करता है, उस पिक्चर में दो ट्विंस हैं बेसिकली जो नर्क में जीते हैं, गेट कीपर्स हैं, तो दरवाज़ा बंद करते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और नियो दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि वो अपने आप को कहाँ पाता है, हिमालय की गोद में। फिर वहाँ से उड़ के वो उसको बहुत दूर ट्रैवल करके सिटी को आना पड़ता है और एन वक्त पे आके वो मॉर्फियस और इसको की मेकर को बचा लेता है। तो मेरा थीरी ऐसा है कि हम सब एक जगह ही जीते हैं, एक ही सिटी है, लाइक डार्क सिटी मूवी। हम कितने सोल्स हैं? 2,50,000 या 3 लाख, जितने भी हैं हम एक ही जगह जीते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में नहीं जीते, हम किसी देश में नहीं जीते, हम किसी सिटी में नहीं जीते। मतलब मैं बेंगलोर में, आप मुंबई में, कोई और दिल्ली में नहीं जीता है। हम सब बहुत करीब हैं, शायद इतने करीब भी हम खुद नहीं जानते। शायद आप मेरे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जीते हैं। तो इस थ्योरी का मैं पुष्टिकरण करता हूँ, सुनिए। जब मैं उठता हूँ तो सिमुलेशन, मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन जो है, वो मुझे बताता है कि मैं बेंगलोर में हूँ, मैं इधर का सनराइज़ देखता हूँ। और मेरे बेंगलोर वाले प्रोग्राम के हिसाब से मेरा टेम्परेचर, मतलब मेरा कितना सूरज का कितना रोशनी होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, कितना वो होना चाहिए, वो हमें बताया जाता है। आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम तो बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, काफ़ी काफ़ी दूर हम जाते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप जब ट्रेन में चढ़ते हो और आप जा रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करो, आप सब पेड़ों को ऑब्ज़र्व करो। वो क्या हो रहा है कि एक पेड़ का सिमुलेशन है जो आपके सामने आते रहता है। उसके बाद स्टेशन आएगा और प्रोग्राम क्या करेगा कि कुछ लोगों को वहाँ रखेगा, बेसिस द प्रोग्रामिंग दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन योर ब्रेन। मतलब आपका ब्रेन बता रहा है कि अभी मैं झांसी जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो झांसी करके स्टेशन आएगा और लोग वहाँ खड़े रहेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ मैं झांसी पहुँचा हूँ। फिर ट्रेन ऐसे चल रहा है, फिर पेड़ आ रहे हैं, फिर कोई और शहर आता है, अच्छा ITRC या मुगल सराय। हाँ, मुझे बचपन में, मैं दिल्ली जाता था इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं दिल्ली जाता हूँ तो ये स्टेशन मुझे याद है, मथुरा, आगरा। तो ऐसे स्टेशन का सिमुलेशन आपके सामने आता है और फिर आप दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली में उतरते हैं,
आपको लगता है कि आप राउरकेला से, जहाँ से मैं निकला था, राउरकेला से मैं दिल्ली पहुँचा। मैंने 2000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। मेरे आँखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। एक्चुअली पहले तो आप बिफोर मंडेला इफ़ेक्ट, तो किसी को ऐसा चीज़ पे शक भी नहीं होता था, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को शक कर रहा हूँ। मेरे को लास्ट ईयर थॉट आया था कि शायद दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं ही नहीं, शायद ये सब एक सिमुलेशन है, और सिमुलेशन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए। तो मेरे इस थ्योरी में 2 किलोमीटर दूर शायद ट्रंप है, 1 किलोमीटर दूर मोदी है, आधे किलोमीटर दूर कोहली है, सब एक जगह ही रहते हैं। मतलब वो प्रोग्राम्स हैं तो उनको हमारे सामने लाया जाता है मीडिया द्वारा, इस द्वारा हमें बताया जाता है कि वो उड़ के, एरोप्लेन में उड़ के। अभी देखिए, एरोप्लेन का मैं समझाता हूँ, हमें क्या बताया जाता है। अभी एक एयरबस है A380, मेरा भाई एयर इंडिया में काम करता है 10 साल से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मुझे पता है एरोप्लेन, और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया एरोप्लेन में। हमें ये बताया जाता है कि एरोप्लेन जो है उसका वज़न सम कितने 1000 किलो, सम लाख किलो, कितने टन्स है वो। हमें बताया जाता है कि हमारा वेट है, फिर उसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर ये भी भरा जाता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब एरोप्लेन का जो पेट्रोल होता है उसको ATF बोलते हैं। वो इतना भारी एरोप्लेन, तो हमें बर्नौलिस थ्योरम के हिसाब से बताया जाता है कि वो उड़ता है और लैंड होता है। आप जब एरोप्लेन में चढ़ते हैं और आप थोड़ा उड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली एरोप्लेन टेक ऑफ हुआ ही नहीं था। एक प्रोग्राम चल रहा है, आप नीचे देखते हैं, आपको लगता है कि आप 2000, 3000, 4000, 40000 फुट ऊपर उड़ चुके हैं, लेकिन आप शायद टेक ऑफ हुआ ही नहीं था। धीरे से जाता है एरोप्लेन एक्चुअली। आई डोंट नो इफ़ यू हैव, अगर आप में से कुछ लोग ट्रेवल किए हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एरोप्लेन आप देखिए, आपको लगेगा कि जैसे कि ट्रेन से धीरे जा रहा है, और फिर एक लैंडिंग का सिमुलेशन, आप पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और वो सिमुलेशन हर बार सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, बम्बई का एयरपोर्ट है या दिल्ली का एयरपोर्ट है या बेंगलोर का एयरपोर्ट है, और फिर आप निकलते हैं, तो एयरपोर्ट का एक सिमुलेशन है। यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स ऑल। टेट्राहेड्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से आप देखेंगे तो आप 10 मीटर भी आपने ट्रैवल नहीं किया है। स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, इट्स जस्ट मैनिफेस्टेशन इल्यूशन, इल्यूशनिस्ट, इल्यूशन समझते हैं ना, मतलब मैजिक, जादू। शायद 750 करोड़ लोग नहीं हैं धरती पे, शायद कोई पोल्यूशन, प्रदूषण कुछ भी नहीं है, शायद जो हमें दिखाया जाता है टीवी पे और जो हम लोगों को देखते हैं, वो सब जस्ट हमारे सामने, हमारे नज़र के सामने उनको रखा गया है। एंड हम एक गांव का सिमुलेशन, एक शहर का सिमुलेशन, फॉरेस्ट का सिमुलेशन, एरोप्लेन का सिमुलेशन, हम सब एक जगह ही हैं। मतलब इवन अंग्रेजी अंग्रेज़ी लोग
और काले लोग, मतलब अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, साउथ अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, सब शायद हम सब एक ही शहर में जीते हैं। डार्क सिटी का यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम रोज़ ओला कैब या कोई कैब चढ़ते हैं, बहुत दूर ट्रैवल करते हैं। हमें लगता है कि हम 20 किलोमीटर ट्रैवल करके ऑफिस पहुंचते हैं, जैसे मैं करता हूँ, काम करते हैं फिर वापस आते हैं। लेकिन बेसिस, मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं, 2,50,000, तो 2,50,000 स्क्रिप्ट्स हैं बस। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से आप भोपाल में हैं या दिल्ली में हैं या बॉम्बे में हैं। शायद बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कौवा भी चिल्ला रहा है, ऐसा शायद कुछ है ही नहीं। यस, बहुत ही बहुत ही बहुत ही पागलपन वाला थीरी है, लेकिन मंडेला इफ़ेक्ट से मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि हम सब बहुत करीब हैं। मेरे पास अभी उतना प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ ठोस थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन काफ़ी भारी होता है, वो हवा में उड़ना मुझे नहीं लगता उड़ सकता है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। कौवा फिर से चिल्ला रहा है, शायद मैं सच बोल रहा हूँ, सोचिएगा ज़रूर। मतलब शायद हाँ, आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने पहले हेटर्स भी मुझे बोलते थे पागल पागल, आई एम जस्ट, इट्स अ वाइल्ड 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 गेस कि हम सब बहुत करीब हैं, हम सब एक ही जगह हैं, बहुत ही छोटी जगह ही है। ट्रूमन शो की तरह, ट्रूमन शो मूवी आपने देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देखिए। बहुत ही छोटी जगह पे हम जीते हैं हम सब लोग। धन्यवाद।